नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आप लोगों को मैथ का एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपके हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ऐसी दशा में जो प्रश्न आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत ही आप लोगों के लिए उपयोगी है परीक्षा की दृष्टि से, और इसका हम शॉर्ट ट्रिक से बताने जा रहे हैं, मतलब कि आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है इसमें। ये प्रश्न जो है हमारे आज के, ये सारे ट्रिक पर आधारित हैं और बहुत छोटा सा ट्रिक है। सवाल बड़े रहेंगे और ट्रिक बहुत छोटा सा है, केवल दो लाइन एक लाइन का ट्रिक है, उसको आप ध्यान में रखेंगे तो साझेदारी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो आपके छूटेंगे नहीं। और साझेदारी के प्रश्न जो होते हैं यानी पार्टनरशिप के जो प्रश्न होते हैं परीक्षा में, ये पूछे जाते हैं। सवाल बड़े होते हैं, समझना मुश्किल होता है, पर आज जो ट्रिक हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि ऐसी ट्रिक आप लोग कभी पढ़े नहीं होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लिंक सेंड कर दें अपने मित्रों को भी, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि वो जब आप लोग बेल आइकन दबा देंगे, घंटी बजा देंगे, तो ऐसी दशा में हमारे जितने भी वीडियो यहाँ पे पड़ेंगे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग ध्यान से पढ़िए आज के लेसन को, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है मित्रों, देखिए मित्रों, यहाँ पे आप लोगों को दो चीजें जानना जरूरी है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये प्रश्न होता है एक टाइप का, कि जब साझेदार ओनली टू होते हैं, यानी दो साझेदार जब होते हैं तो उस टाइप का प्रश्न होता है, यानी जब दो ही साझेदार हों तो उसका टाइप वन है, यानी इस टाइप के फार्मूले का हम यूज करेंगे। बहुत छोटा सा फार्मूला, बहुत सरल तरीका मित्रों आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न को करने में आप लोगों को जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। टाइप वन में आप लोग देख रहे हैं, ऐसे हमको लिखना रहेगा, ए का लाभ बटा बी का लाभ बराबर, ए का लाभ मतलब दो व्यक्ति रहेंगे, कोई ए बी करके, राम श्याम करके, मोहन सोहन करके, इस टाइप से कोई दो व्यक्ति रहेंगे, तो उनका इस टाइप से हम लिख लेंगे, बराबर ए की पूंजी गुणे ए का, ए की पूंजी है और ए का टाइम है, यानी ए का टाइम कितना लग रहा और ए की पूंजी कितनी लग रही, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और बटा करके बी की पूंजी गुणे बी का समय, इसको लिख लेंगे। इसके बाद सरल कर लेंगे हम इसको, तो हमें दोनों में अनुपात पता चल जाएगा। तो आज हम आप लोगों को टाइप वन के बारे में बताने जा रहे हैं, और टाइप वन हम अगले, टाइप टू जो है हम दूसरे वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आज इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न है, इन्हीं दो टाइप के प्रश्नों के माध्यम से, फार्मूले के माध्यम से, हम साझेदारी के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन हम हल करवा देंगे। तो दो टाइप के क्वेश्चन हैं और दो वीडियो के अंतर्गत रहेंगे मित्रों, देखना बिल्कुल मत भूलिए इनको पढ़ना। पहला प्रश्न देखिए, गोपाल ने 3,000 रुपये लगाकर कोई व्यापार शुरू किया, 6 महीने बाद 2,000 रुपये लगाकर दिनेश भी शामिल हो गया, तो बताओ 2,600 रुपये के लाभ में दिनेश का कितना हिस्सा होगा। यानी दिनेश जो शुरू किया व्यापार, तो शुरू किया गोपाल ने, 3,000 रुपया लगाया, और 6 महीने बाद जो है कौन आया, दिनेश आया, और उसने कितना दिया, 2,000 रुपये दिया, तो वर्ष के अंत में टोटल कुल लाभ कितना मिला, 2,600 रुपया। उस 2,600 रुपये में पूछ रहा है दिनेश का कितना हिस्सा होगा। तो बिल्कुल सरल है क्वेश्चन, बिल्कुल सरल है मित्रों। इस ट्रिक पे हम लगाएंगे, एक ही मिनट का सवाल नहीं है, 10 से 15 सेकंड का सवाल है मित्रों। तो चलिए देखते हैं, ए का लाभ, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए मीन्स गोपाल है, ये आपका हो गया गोपाल, और बटे में लिख लेंगे दूसरा कौन है, दिनेश है, बराबर। अब कह रहा है ए की पूंजी, ए की पूंजी कितनी थी, ए मीन्स गोपाल की पूंजी 3,000, 3,000, टाइम कितना था इसका, 12 महीने, टाइम जो है वो कितना था, 12 महीने था। अब इसके बाद दिनेश का रुपया कितना था, 2,000, इनका टाइम कितना था, 6 माह। इसी को सरल करना है तो बिल्कुल आसान तरीके से। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये कट गया,
जीरो जीरो सब कट जाएगा, 6 से काट देंगे, 6 गुना 12, 2 से 2 कट गया, ये आपका आ गया 3/1, या बराबर हम लिख सकते हैं 3:1, यानी दोनों के रुपए में अनुपात कितना है, 3:1, यानी ये अनुपात निकल आया है। अब अनुपात निकल आया तो हमको कुछ निकालने में दिक्कत नहीं है, अनुपाती योग बराबर कितना है, ये 4 है, दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों का अनुपात किस अनुपात में पैसा लगाया, एक 3 लगाया है, एक 1 लगाया है, अब ये हो गया कितना, 4, तो 4 बराबर कितना है, 2600 के, 2600 ही तो लाभ हुआ है, यानी 4 बराबर 2600। अब इसमें एक पूछ रहा है, एक का मतलब एक किसका पार्ट है, यानी पहले गोपाल का होगा बाद में दिनेश का होगा, तो एक दिनेश का ही पूछ रहा है, तो दिनेश का कितना है, एक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2600/4, काट देते हैं, 4 6 24, 2 26 4 5 20, यानी 650 रुपया जो है दिनेश का पार्ट होगा, और यही हमारा उत्तर होगा। तो देखिए मित्रों, कितने आसानी से इस फार्मूले पर रखने पर, इस ट्रिक पे रखने पर हम इतने बड़े सवाल को कितने आसानी से लगा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगला प्रश्न है, ए ने 35,000 रुपये लगाकर कोई व्यापार शुरू किया, 6 माह बाद 6,000 रुपये लेकर बी भी शामिल हो गया, यदि वर्ष के अंत में कुल 26,000 रुपये का लाभ हुआ, तो कह रहा है उस लाभ में ए का कितना हिस्सा होगा, यानी दोनों जो है 6 महीने बाद, यानी बी जो है वो 6 महीने बाद प्रवेश कर रहा है और 6,000 रुपये लेकर के, और पहला व्यक्ति जो है 35,000 रुपये लगाया है, तो ऐसी कंडीशन में लाभ किस हिस्से में बटेगा, किस दशा में बटेगा, तो वही आप लोगों को बताना है। तो चलिए देखते हैं, सॉरी, तो यहाँ पे 60,000 है, 6,000 नहीं बल्कि 60,000 है, 6,000 भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्वेश्चन में जो है उसको हम कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमको वही पहले वाला फार्मूला लगाना है, यानी अगर पहला सवाल आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो इसको आप लोग देख लीजिए, कंफर्म है, पूरा विश्वास है हमें, सवाल छूटेगा नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा ए का पार्ट, ए का लाभ बटा बी का लाभ, तो ए बटा बी हम लिख लेते हैं, यानी ए बटा बी हो गया, बराबर करेंगे। अब कह रहा ए का हिस्सा, यानी ए कितना हिस्सा लगा रहा है उसको, यानी ए की पूंजी, तो ए की पूंजी कितनी थी, 35,000 रुपये, 35,000 रुपये ए की पूंजी थी, बट और गुणे उसका टाइम कितना था, वो क्योंकि साल भर लगा रहा है तो उसका टाइम हो जाएगा 12, और इसके 6 महीने बाद आ रहा है, यानी बी, तो बी की पूंजी कितनी थी, 60,000, 60,000, और इसका टाइम कितना था, 6। इतना ही मित्रों रखना है आप लोगों को, यानी कितने टाइम के लिए आ रहे हैं और कितनी पूंजी लेकर के आ रहे हैं, इतना आप लोग कंफर्म याद किए रहेंगे, इतना ही हमको लिखना है, उसके बाद हमें अनुपात तुरंत मिल जाएगा, जब अनुपात मिल जाएगा तो सवाल सॉल्व हो गया, समझिए। अब इसमें हम काट देते हैं, ये और ये कट गया, 6 से काटेंगे 2, यहाँ पे काट देंगे 5 से, 5 × 5 5×2 10, और 5 × 7 35 हो गया, 2 से इसको काट देंगे 6 आएगा, ये हो गया आपका 7/6, या हम लिख सकते हैं 7:6। देखिए मित्रों, यहाँ पे अनुपात हमको प्राप्त हो गया है, अब हमको कुछ करना ही नहीं, जिसका पार्ट पूछे उसको डायरेक्ट निकाल लेना है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम आसान क्वेश्चन। अब यहां से इनका अनुपाती योग हम निकाल लेंगे, 7 × 6 कितना हो गया, 13, ये 13 बराबर है, 13 बराबर किसके है, 26,000 के, 13 जो है वो किसके बराबर है, 26,000 के। अब यहां पे हमको जिसका पूछेगा उस लाभ में कह रहा है ए का पार्ट, तो ए का पार्ट कितना है, 7 है यहाँ पे, तो हम 7 लिखेंगे, यानी कुछ करना नहीं है हमको, 7 से गुणा करा देंगे, 13 से ले जा करके भाग करेंगे और 7 से गुणा, जिसका पार्ट रहेगा उससे गुणा कराएंगे, यानी इधर देख लेते हैं, 13 से 26,000 में भाग कराएंगे, 26,000
13 कुछ नहीं करना है, इधर जो रहेगा डायरेक्ट इधर ले जाएंगे, भाग करेंगे। इसके बाद जिसका पार्ट हमको जिसका ज्ञात करना रहेगा, जैसे हमको ज्ञात करना है ए का पार्ट कितना है, ए ए का है, ये बी का है, ए का 7 है, 7 से गुणा करा देंगे। बस ये आपका 13 × 26 2000, और गुणा कराने पे 7 × 14000, यानी यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। यानी ए जो है ए को कितना हिस्सा मिलेगा, 14000 रुपया मिलेगा। तो देखते हैं मित्रों कितने आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, इतने बड़े प्रश्न को हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, छोटे ट्रिक के माध्यम से कितनी आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं इन दोनों प्रश्नों को आप लोग ध्यान से पढ़िए, पढ़े होंगे और आ भी गया होगा। अगर नहीं आया है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो कमेंट में लिखना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक व्यापार में प्राप्त लाभ में से प्रमोद तथा जयेश के भागों का अनुपात 3:5 है। यदि जयेश ने व्यापार में 80,000 रुपए 12 महीने के लिए लगाया, तो प्रमोद ने 72,000 रुपए कितने माह के लिए लगाए। यानी इसमें आप लोगों को टाइम पूछ रहा है, यानी टाइम बताना है आप लोगों को। यानी सवाल में हमें ये पता करना है कि 72,000 रुपए जो जयेश ने लगाए हैं प्रमोद ने, ये कितने दिनों के लिए लगाए हैं, जबकि उनका अनुपात लाभ का हमें दिया गया है, यानी 3:5। देखिए मित्रों ये दूसरे टाइप उसी का सवाल है, पर उसी फार्मूले पे लगेगा, पर हटके थोड़ा सा है। तो इसमें देखिए ये लाभ का रेशियो है, यानी अनुपात है। तो हम पहले पता कर लेते हैं क्या है प्रमोद और जयेश। तो प्रमोद और जयेश यानी इन दोनों का है। तो प्रमोद ने कितना रुपया लगाया, प्रमोद तथा जयेश कह रहा है, अनुपात यह है, यदि जयेश ने व्यापार में 80,000 रुपए 12 माह के लिए और प्रमोद ने 72,000 रुपए, यानी 72,000 रुपए प्रमोद ने लगाए हैं, कितने दिन के लिए पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं यक्स टाइम के लिए। और नीचे 80,000 रुपए लगाए हैं किसने, जयेश ने, और ये कितने दिन के लिए लगाए हैं, 12 माह के लिए लगाए हैं। और इसका अनुपात जो हम लास्ट में पहले अनुपात प्राप्त करते थे काटने के बाद, लाभ का तो अनुपात होता था वो, यानी लाभ का ही अनुपात होता था। तो लाभ का अनुपात हमें दिया गया है कितना, 3:5, यानी 3:5 बराबर 3:5। बस इसी को सरल कर लेते हैं, यक्स का मान जो आया मित्रों वो हमारा क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब देखिए ये 000000 यहां से कट जाएंगे, 8 से काट जाएंगे, 8, 9, 72, और ये 10 बार जाएगा, कट गया। 3 से काट देंगे, 3 × 3 = 12 हो गया। अब ये कटेगा नहीं, तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं, यानी 3 कितना हो गया, 10 × 40, और 3x है ये साइड में, बराबर 3:5। यहाँ पे देख रहे हैं 3x हो गया और 10 × 40 हो गया, 3:5 हो गया, ये 3:5 है ही। ये इधर देख लेते हैं, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 3 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3×5 = 15x बराबर 4 से इसमें भाग दे देंगे, 120 या x बराबर कितना हो जाएगा, 120/15 या x बराबर काट देंगे 15×8 = 120 होता है, यानी x बराबर 8, यानी 8 महीने के लिए, 8 माह के लिए उसने रुपए लगाए थे। देखते हैं मित्रों कितने आसानी से इतने बड़े प्रश्न का हल निकल के सामने आ जाता है जब हम एक ट्रिक का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, करा एक संयुक्त व्यापार में ए तथा बी द्वारा आरंभ में लगाई गई पूंजियों का अनुपात 5:6 है। एक निश्चित समय के बाद में इनके लाभों का अनुपात 5:9 है। यदि व्यापार में ए का धन 8 माह के लिए रहा हो, तो बी का धन कितने माह के लिए लगा रहा। सब कुछ वही है मित्रों, केवल
पैटर्न थोड़ा सा बदल दिया गया है, सवाल उसी फार्मूले पे आएगा, उसी ट्रिक पे आएगा। तो चलिए देखते हैं, कह रहा ए बी, तो हम लिख लेते हैं ए है और ये बी का हो गया बराबर। अब ए की पूंजी इंटू ए का समय, तो ए की पूंजी कितनी है, 5 है, और ए का समय कितना है। अब यहां पे हमको देखना होगा, व्यापार में ए का धन 8 माह के लिए, कितने माह के लिए, 8 माह के लिए लगा था, यानी समय ए का कितना था, 8 माह, 8 माह के लिए उसने अपना धन लगाया था। आगे देखते हैं, यानी बी का पार्ट कितना, बी का हिस्सा कैसे क्या बन रहा है, तो बी का हो जाएगा, बी ने कितना पूंजी लगाया, किस अनुपात में, बी की पूंजी जो लगी थी 6 लगी थी, और इस कितना टाइम के लिए लगा था यही पूछ रहा है, यानी बी का धन कितने माह तक लगा रहा, तो यहां पे मान लेते हैं यक्ष माह तक, ये पता नहीं है। बाकी कह रहा, अब लाभ जो है उनके लाभ का अनुपात जो है यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है समय के बाद, निश्चित समय के बाद इनके लाभों का अनुपात कितना है, 5:9, मतलब 5/9। बस इसी फार्मूले पर ऐसे ही रख देना है, सरल कर लेना है, तुरंत उत्तर निकलेगा। देखने में सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों, पर अगर हम इसके साथ ट्रिक का यूज करते हैं और इसको ध्यान में रखते हैं, याद किए रहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड नहीं लगेंगे आप लोगों को सवाल हल करने में। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे अब हमको काटना है, इसको सरल कर लेना है, तो सरल करने में 2 से काट देंगे 4 आएगा 3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया 3x और 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15x, 15x हो गया, 5 × 3 = 15x, और ये हो गया 5 × 20 हो गया, 20 × 9 में कितना हो जाएगा, 180, 15x = 180, या x = 15 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 180/15 काटेंगे इसको तो कितना आएगा मित्रों, 12, यानी 12 माह के लिए किसने अपना धन लगाया था, बी का धन जो है 12 माह तक लगा रहा। यही मित्रों हमारा उत्तर हो गया, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड, 3 सेकंड की, 3 सेकंड के ये सवाल हैं। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मोहन और सुरेश क्रमशः 50,000 और 60,000 रुपए लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। 5 माह बाद जो है सुरेश अपनी पूंजी व्यापार से निकाल लेता है, यानी जो पूंजी लगाए रहता है वो क्या करता है, निकाल लेता है। यदि अंत में मोहन को 2,000 रुपए प्राप्त हुआ हो तो सुरेश को कितनी राशि प्राप्त हुई होगी, यही हमको पता करना है मित्रों। तो फार्मूला वही लगेगा, सब कुछ वही है, थोड़ा सा अंतर करके है, चलिए देखते हैं। तो लिख लेते हैं, मोहन अब इसमें देखना है, मोहन ने कितना लगाया था, 50,000, इनका टाइम कितना था, यहाँ पे हम टाइम देखते हैं, 50,000 रुपए लगाया, व्यापार शुरू करते हैं, 5 माह बाद सुरेश निकलता है, मोहन नहीं निकलता है, तो इनका टाइम कितना होगा, मोहन का 12 ही होगा, और सुरेश ने कितना धन लगाया, 60,000, इनका टाइम, क्योंकि इसने ये 5 ही महीने रहे हैं तो इनका 5 ही महीने का रहेगा। अब इसमें हम सरल करके इसको पता कर लेते हैं, इसका रेशियो कितना आया, तो ये हो जाएगा, ये 0 कट गया, 6 से 6 × 12 हो गया, 5 से 5 कट गया, आ गया आपका 2/1, या कितना आया, 2:1, यानी 2:1 जो है इनका रेशियो आ गया, रेशियो का मतलब अनुपात आ गया इनका। अब ये 2 जो है, जब 2 उसको प्राप्त हुआ तो ये 2 किसके बराबर है, 2,000 के बराबर है, मोहन का ही तो पूछ रहा है, और इसमें देखिए मोहन को 2,000 रुपये मिल रहे हैं, जब उसको 2,000 रुपये, 2 यहाँ पे रेशियो आया है उसका, यानी 2:1, यानी 2 रुपया किसका होना चाहिए,
लाभ में 2 रुपया किसका होना चाहिए? मोहन का, और 1 रुपया होना चाहिए किसका? सुरेश का। यानी मोहन का आधा सुरेश का होना चाहिए। जब इसको 2000 मिल रहा है तो सुरेश को कितना मिलना चाहिए? स्वाभाविक रूप से उसका आधा, यानी 2/1 है ना, तो इसका डबल है, इसका एक है, इसका डबल है। वैसे ही हम पता करना चाहें तो इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना? डबल मतलब इनका डबल है, इनका सिंगल मतलब इनका आधा है। तो वैसे अगर हम पता करना चाहें तो 2000 का आधा सीधा सीधा 1000, यानी हम लिख सकते हैं 2 बराबर कितना है? 2000 के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि उसका हिस्सा कितना बन रहा है? 1 है, तो 2000/2 = 1000। 1000 रुपये जो है किसका हिस्सा हो जाएगा? ये सुरेश का हिस्सा हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मित्रों, आज हमने देखा साझेदारी यानी पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ प्रश्न, और एक टाइप फर्स्ट टाइप का हमने आज बता दिया है। सेकंड टाइप का हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं जितने भी प्रश्न आज आप लोगों को बताए गए हैं, आप लोगों को आ गए होंगे, आप लोग इनको हल कर ले जाएंगे। एक दो सवाल अपने मन से बना करके ऐसे हल करिएगा, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगले वीडियो में हम मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद।